तो जैसे कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, इनको हमारी मानी को सलाम कर लो। मानी अस्सलाम वालेकुम। अरे मैं अपनी मानी के लिए लेकर आई हूँ, बड़ी मुश्किल से। दिस इज फॉर यू मानी। ये मेरी जान है, बहुत अच्छी मानी है। ये मेरी जान है और तुम हमारी जान हो नैनी। ये मेरी जान है। ओ भाई, ओ गॉड, ओ अल्लाह, ये क्या हो गया? ये क्या हुआ? ये भारत पर से पानी कहाँ से आया? चलो मानी, अब हम जा रहे हैं फ्रेंड्स अपने शन्नू मानी के पास। तुम्हें बुला तो रही थी वो, कि बाजी को बुला लो। तुम्हारा पता ही नहीं था। मुझे बस भूख ना लग रही है। और भाई देखो कितनी तेज धूप है, है अम्मी, धूप इतनी तेज हो रही है। इतनी तेज धूप है ना, बहुत तेज धूप है। सीरियसली गाइस, आज हम कुंजिया की शादी में आए थे, कितना प्यारा था यहाँ पर सीन था। हाँ, अब तो यहाँ पे पूरा सूखा पड़ा है। लेटा लेटा खड़ा था यहाँ पर, उमेश का नाम है लेटा। भाई वाकई में बहुत तेज धूप है, भाई बहुत तेज धूप है। दूर दूर तक सिर्फ आपको ना यहाँ पे जंगल नजर आएगा, जंगल जंगल। ये देखो पूरा पूरा जंगल है। और ये बारात आ रही है, ये बारात आ रही है पूरी की पूरी। मम्मा कुछ भी हुसैन हुसैन, चलो चलो। वही तू आप को बोलियो हुसैन। कुआ कुआ चल रहा है, कुआ। वाह बाजी, हाँ मैं तो नहाऊंगी। जल्दी भाग, जल्दी भाग, कुएं में नहाएंगे उसे। उसे वो बंतरे कर देंगे हमें देख के। हैं उसे कुआ चल गया, चलो डुबकिया मारेंगे, छुटिया हो गए। लो लो अब देखो, एक बार हाय ओए काने एक रुपए दर्द हो गया। चल चल खा लिया भाई। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं शन्नू मोमानी के यहाँ पे, जैसे कि हम हर बार जब भी आते हैं तो यहाँ पर ज़रूर आते हैं इनके घर पर। और आज देखिए माशाल्लाह से बारात को रवानगी देने के बाद सारी फैमिली जो है यहाँ पर आ गई है। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी फ्रेंड्स, तो बहुत हालत भी ख़राब हो रही थी हमारी, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है ऐसे ही कभी कभी मिलना होता है। दोस्त दोस्त मिल गए हैं आपस में एक बार फिर से। कुछ बोल रहे मोमानी, तुम भी तुम्हें सब देखेंगे अभी। इसमें इसके पीछे वाली जो क्लिप थी, उसमें तुमने बुशरा को प्रपोज करा, फूल दिया घुटनों पे बैठ के। और तो मुमानी ने बुशरा कर रही थी, अब बुशरा मेरा प्यार कर रही थी। ये सब देखेंगे, देख लो लौट दिया मेरे, कोई बात हो रही ना, तो लौट दिया है क्या? नहीं है इसी में आपने कमला ला उठा के पूछ रहा दोनों। तुम गुलाबी गुलाबी हो रही, काला काला। तीनों थे मिलो तो और भी किराए के थे ना, मेरे रहने चला था हर घंटे का सेकंड का। तुम क्यों उतार देती अम्मी कपड़े? और फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं कुएं के पास। कुएं पे जा रहे हैं हम लोग, कुएं पे आ रहा है काफी, बहुत ही है ना, बहुत मजा आ रहा है बाजी। मजा नहीं आ रहा अब, मौसम सही हो गया ना बाजी। अभी तक जाएंगे अंदर, चलो डोल डोल जाएंगे हम, डोल डोल आज चलते, चलो डोल 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 कुएं पे चल रहा है जंगल। अरे नहीं आ जाओ, जिसे आना है वो आ जाओ, जिसे नहीं आना वो जाओ सीधा। चलो 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 सबा आ, अरे आ जा आ जाओ, नमरा भी जा रही। चल कब डलवाऊ, डर लगवाऊ तुझे भी। 500 में, 500 में, 500 में बुशरा कंपनी का नाम तो बताओ। 500 में कंपनी का नाम बताओ, कंपनी का नाम, कंपनी का। वो वाले पे रख दे उसने।
बस ये चप्पल देके इतना नुकसान है। हम तो कोरी आज ही पहन के आए थे। ऐसे करते हैं इनका, ये कुआ देखो यहाँ पे, अब बेचारे की चप्पल खराब कर दी। मैंने जो बोला मुझे देखिए यहाँ इस जगह पर ना साइकिल होनी चाहिए। है बाजी किसी की साइकिल ले ले। बाजी इस जगह पे हम पहले भी आए हैं। चप्पल उठा के ना चला जा दिया। मजा आ रहा ना, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? नदी मजा करते हैं। अब मैं एक बार ट्राई करके आती हूँ साइकिल। अब मुझे दिखा फर्स्ट ट्राई। चलो ऊपर में तो बैठ जाओ। नहीं पड़ेगा, अरे ना गिरोगी, गिर भी गई ज्यादा से ज्यादा कोक की पसली टूटेगी। छोटी मोटी चोट। बैठ जाओ, वो ठोक देंगी। वो तो गिल बस 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 बस। फ्रेंड्स ये हमारी मामी कितना काम करती है, अल्लाह दुखियारी बना के रख दिया इनको बिचारियों को। चलो कहते अल्लाह तुम्हें अच्छा फल देगा इसका। हाँ चल हम ही बैठेंगे पीछे, और कोई ना है। मैं विंडो पर भी बैठूंगी। ले सो फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं कहाँ पर, एक जगह हम जा रहे हैं रिसेप्शन में दावत खाने के लिए, और बारात आएगी थोड़ी सा लेट, तो इसलिए हम पहले कुछ दावत खाने के लिए चल लेते हैं। बबलू भाई ले जा रहे हैं हमें अपने साथ में। चलो द्वार बंद कर भाई। अभी हम लोग रास्ते में ही हैं, बस हम लोग जा रहे हैं शादी में मंडईयो, लेकिन हमारी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है ना लिटरली, और इतना सच में सर में दर्द होने लगा। ये गाड़ी में से अजीब से स्मेल क्यों आ रही है पता नहीं चल रहा मुझे, हालत ख़राब हो गई है। तुझे नहीं आ रही बबलू भाई में डरा रहे, शाम के टाइम इनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, बीच रात हो तो गई। बबलू भाई कैसे करोगे, और तुम तो डरा रहे हो यहाँ पे बीच जंगल में, हमें खड़ा करके कह रहे हैं कि इस गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर जो प्रोग्राम है शादी है मतलब जहाँ पर, और यहाँ पर आकर ना हम ना ऐसा फील कर रहे जैसे कि लाइक बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, क्योंकि मलका को पता है बस बबलू भाई को नहीं पता कुछ भी कि हम कहाँ पर आए कहाँ नहीं आए। कोई बात नहीं, चलो हैप्पी इनके रिलेटिव्स चलते हैं। आइए मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगी आपकी, सो आइए चलते हैं। सबसे पहले हमने पहुंच के दुल्हन देखी, वहाँ मुंह दिखाई करने के बाद हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए फ्रेंड्स, क्योंकि खाना खाने के लिए तो शादी में जाते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं कहाँ पर ईशा? खाना खाने। खाना खाने बहुत देर से भूख लगी थी।
जाती हूँ शादी के चाउमीन खा रहे हैं और कॉफ़ी पीने के लिए। आज ना चाउमीन अच्छी थी और कॉफ़ी भी दिखी हुई, कोल्ड ड्रिंक में पीती हुई। ईशा कैसा रहा चाउमीन का भाई? एक पैसे की चाउमीन को एक पैसे की नहीं गई है। आज मैंने मीठा भी खा लिया क्योंकि ये बंगाली रसगुल्ले थे, हमने खा लिया। और यहाँ ईशा खाते खाते थक नहीं रही है, क्या हुआ ईशा? कितना खाओगी? तुम्हारा खाएगी। आज ही मोटी हो जाऊंगी सारी खाकर। तुम्हारा खाएगी। पानी चाहिए पर मुझे नारी खानी, नारी। चलो कितना खाओगी तुम? मैंने कुछ खाया नहीं, मेरे फ्रेंड्स को पता है। ग्लास यार मुझे पानी पी लोगे तो फिर प्यास लग जाए, खत्म हो जाएगी भूख। चलो चल चलो चलो। अच्छा पॉपकॉर्न लेके जाएगी आज, कितना लोगी? और यहाँ पे भैया खेल तमाशा कर रहा है बच्चों को देखो। ओ अरे ले 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 जा ले जा। अरे हाथ में से छीन रहे बेचारे के। और जाते हुए हमने ये लौकी का हलवा खाया जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। उसके बाद हम लोग निकल गए हैं घर जाने के लिए क्योंकि हमें बहुत टाइम हो गया था फ्रेंड्स, इसलिए हम लोग निकल गए यहाँ से। हो चुका है हमारा खाना और मैं कुछ बातें आपसे बताने वाली हूँ जो कि मैं इनके रास खोलूँगी, एक ईशा का रास खोलूँगी और बबलू भाई का रास खोलूँगी। तो मैं खोलूँगी बाहर जाकर, ठीक है? तो बबलू भाई तो इतनी ज़्यादा खड़े रहे, तुम्हें शिकंजी नहीं मिली? शिकंजी नहीं मिली बेचारे, कितनी देर तक मशक्कत करके खड़े होकर आ गए गुस्से में। सो फ्रेंड्स हुआ ये कि बबलू भाई इतनी देर तक वहाँ पे खड़े रहे शिकंजी के इंतजार में कि शिकंजी आएगी, बट शिकंजी नहीं आ सकी, ठीक है? उसके बाद ईशा और मलका ने सोच लिया था कि आज हम पॉपकॉर्न खा के छोड़ेंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे। वहाँ से हटी नहीं बिल्कुल। हुआ ये कि जो मशीन में पॉपकॉर्न बन रही थी तो एक पॉपकॉर्न गिर के साइड में आ गई, तो हाथ से उठा के मलका ने खा ली। और ईशा इंतजार में थी कि पॉपकॉर्न मिलेगी, मगर लेकिन अफसोस की बात कि इनको पॉपकॉर्न नहीं मिल सकी और इनको ऐसे ही छोटा सा मुंह लेकर उदास होकर वापस लौटना पड़ा। सो ईशा मैम पॉपकॉर्न तुम्हारे लिए भी लेने गई थी, ठीक है ना? भैया मैं तो खाने नहीं, इतना मेरे लिए तुम क्यों ले गई थी? तुम कुछ खाने भी नहीं, हर चीज खा भी रही जो मैं ला रही थी, है नी? तो मैं ऐसे शिद्दत से खड़ी थी तुम्हारी तरह, तो तुम निहलकों की तरह खा रही थी उठा उठा कर साइड से। वो मेरे ना जुबारे मलका बाजी ने खाया था, वो भी एक, ठीक है ना? मैंने नहीं खाई। मलका ने भी भैया आज रिकॉर्ड तोड़ दिया, बबलू भाई ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, ईशा ने भी। तीनों खाने वैसे मंड गए वहाँ पर जाकर। खाने के लिए तो आए थे और क्या, मुँह देखने के लिए नहीं आया था यहाँ पर? तो फिर भी तुम बनवा के चली गई थी, तो सारा कुछ खा सब खाओगी? वो मैं नहीं बनवा कर, तो ना हमारे लिए बनवा कर रखा था। सही भैया, ईशा ने तो भाई जवाब दे दिया है कि हमारे लिए खाने के लिए था और हम खाने के लिए आए थे। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल बहुत मज़ा आया यहाँ पर, हमने एंजॉय किया। आप चल रहे हैं घर पर, टाइम हो चुका है कितना, 8:50 हो चुका है, यानी कि 9 बजने वाले हैं। और उसकी हो चुका है। और सद्दू का भी वापस लौटेगा कब तक कोई पता नहीं है। सिद्धू मूसे वाले कब तक आएंगे पता नहीं है, उनका भी उनकी बारात इतनी लेट गई है। तो ये देखो मलका कैसे बैठी हुई है, कोई कम नहीं, पोटी कर रही है मलका। मलका थक चुकी है तो ऐसे बैठ गई है। और मैंने जब भाई ने गाड़ी खोली थी तो गाड़ी में बैठ जाती हूँ वहाँ पर। अबे यार गाड़ी में बदबू आ रही, गाड़ी में पता नहीं स्मेल अजीब सी क्यों आ रही है, पता नहीं क्या हो गया इसमें, ईशा है ना, मेरे तो सर में दर्द हो गया इस गाड़ी की स्मेल से। चलो फिलहाल मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे ऑन द वे। फिलहाल मुझे आपको एक चीज़ बतानी फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई है और हमारी गाड़ी यहाँ पे बीच में फंस गई है, अभी गाड़ी हटेगी तब जाएंगे। तो बबलू भाई लेकर गए हैं गाड़ी का नंबर फोटो खींच के, ताकि पता चल जाए कि गाड़ी किसकी है, तभी तो यहाँ से हटेगी है, तभी हम निकल पाएंगे, तभी हम बस। और फ्रेंड्स अभी तक ना हमारी गाड़ी का कुछ पता नहीं चल रहा है कि निकलेगी या नहीं निकलेगी, फंसे हुए हम लोग बिल्कुल दूर तरफ। और हमारी गाड़ी नहीं निकल रही फ्रेंड्स, बबलू भाई कितनी देर हो गई, क्या करेंगे इसमें, क्या कर। थैंक यू भैया, थैंक यू। उतनी मशक्कतों के बाद फ्रेंड्स वो आए हैं लास्ट मोमेंट पे, कहते हैं कि अब गाड़ी हटा दूँ क्या। अब यार इतना परेशान हो गए, इतना घंटा से अब निकल लेते, अब हर जगह गाड़ी गाड़ी खड़ी हुई है, कहाँ से निकाले ये भी दिक्कत आ रही है। भाई गाड़ी तुम्हारी है क्या? वो भी आ रहा है,
फ्रेंड्स वो कहते ना कि खजूर से गिरे कैसे पहाड़ में अटके, क्या क्या होता है वो, कैसे पहाड़ से गिरे खजूर में अटके, इतना बुरी तरह से फंस गए ना आज हम लोग सच में। मतलब इतनी महंगी हमें दावत पड़ गई है, वहाँ हमने एक घंटा वेट किया, कितनी मशक्कत की, गाड़ी उठा के यहाँ से वहाँ रखी, ऐसे किया वैसे किया, और अब हम फंस गए यहाँ पर। क्योंकि शादी का टाइम होता है तो हर कोई कहीं कहीं ना कहीं पार्किंग लगा देता है, तो सॉरी लाइन से गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं बिल्कुल, मैं आपको दिखाऊंगी अभी। और हम बिल्कुल बीच में फंसे हुए हैं, पीछे भी गाड़ी इधर भी गाड़ी, और हम बीच में फंसे हुए। अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। बबलू भाई गए हैं बाहर ठीक करवाने के लिए, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। तो बाकी बहुत थक गए, बहुत फंस गए, और पता टाइम कितना हो गया, 9:22 हो चुके हैं फ्रेंड्स। और इतना मच्छर लग रहे हैं यहाँ पर, गाड़ी के अंदर मच्छर घुस गए, क्योंकि हवा अच्छी चल रही है तो हमने खिड़कियाँ खोल रखी हैं, विंडो, मच्छर घुस गए इसके अंदर भी, बहुत बहुत अच्छी हो गई है। ईशा ईशा चोटी बांध रही, पूरी फैशन में ईशा अपने, गर्मी लग रही है बाजू मोजा को। फ्रेंड्स लाइन से कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, चलो पीछे चलो, चलो और चलो पीछे चलो और चलो। ईशा ईशा का तो हो गया फीशा, चलो चलो बस हो गया, अब तो हो गया। हम आ चुके हैं, स्लीपर पहन लो और निकलो। चले ईशा मजा आ गया, मजा ईशा बहुत मजा आ रहा, चलो चलो उठा लो बाद में खा लेंगे रख ले, चलो बंद कर दो ये इतने दुपट्टा ले लेवल का सामान सब उठा लिया ना, चलो चलो फिर चलो चलो। आ गया ना, पूरा सुनसान हो गया सब।